हेलो दोस्तों, ये फिर से नई वीडियो मैं लेकर आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप आखिरी तक देखें, आपको समझ में आएगा। ये बाइक आई है तो इसकी ये प्रॉब्लम है, इसकी मोटर जो है जाम हो रही है, स्विच ऑन करने पर मोटर जाम हो जाती है। तो भैया ने बताया शोरूम पे, सब इनने चेक करा लिया, मोटर भी चेंज करके देख ली शोरूम पर, कंट्रोलर भी चेंज कर देख लिया, थ्रोटल भी बदल कर देख लिया, पर ये ठीक नहीं हुई। तो हम देखते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, इसके वायर वगैरह सब ठीक हैं, कोई दिक्कत है नहीं। मोटर चेक करते हैं अपन, क्या हो रहा है। ये देखिए, ये जाम हो गई है, इस तरह घुमाने पर ये झटके ले रही है। तो ये प्रॉब्लम है इसमें, इसको कैसे ठीक करेंगे हम। ये देखिए, मोटर चल भी नहीं रही है। क्या मेन प्रॉब्लम है मैं बताऊंगा आपको, पहले कंट्रोलर चेक कर लेते हैं एक बार। इसको बाहर निकाल लेता हूं मैं कंट्रोलर को, और देखिए ये आपको ठीक से समझ में आएगा। इसको बाहर कर लेते हैं पहले, कंट्रोलर की प्रॉब्लम है या मोटर की प्रॉब्लम है या वायरिंग प्रॉब्लम है, ये मैं आपको बताऊंगा इसमें। देखिए मैं निकाल लेता हूँ, ये बाहर आ गया। देखिए इस प्लग को मैं निकाल रहा हूँ, उसके बाद हम इसको चेक करके देखेंगे। ये कंट्रोलर के इस प्लग को मैंने निकाल दिया है, बाकी सब लगे हुए हैं। अब अपन देखते हैं एक बार, ये देखिए ऑन है, देखिए मोटर रन करने लगी। इस प्लग को निकालने से मोटर रन करने लगी, पर स्पीड वगैरह कुछ नहीं आई, क्योंकि स्पीड वायर वगैरह जो अपन ने जो कनेक्टर निकाला है वो उसी में है, वो ये प्लग अपन ने निकाल दिया है। तो इसमें ये क्या प्रॉब्लम है, वायरिंग प्रॉब्लम है या और कोई दिक्कत है, ये मैं बताऊंगा आपको। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आसानी से उसे ठीक कर सकते हैं। ये देखिए मोटर चलने लगी है, पर अभी स्पीड वगैरह कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि कंट्रोलर से स्पीड वायर वगैरह ये प्लग जो अपन ने निकाला है ये सीखा। अब देखिए मैंने दोनों प्लग लगा दिए हैं, और अब ये मोटर लगाने पर भी रन करेगी, तो इसकी जो प्रॉब्लम थी मैंने वो ख़त्म कर दी है। ये देखिए मोटर रन कर रही है, ये देखिए जो मिस्टेक थी वो ख़त्म हो गई है इसकी। ये ब्रेक दोबारा फिर से पहिया भी घुमा के दिखाता हूँ, इसकी मोटर फ्री है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, अब फ्री चल रही है। प्लग लगाने पर भी, ये प्लग लगा हुआ है, ये देखिए, और ये भी लगा हुआ है। सारे प्लग कंट्रोलर के जो हमने निकाले थे वो लगा दिए, उसके बाद भी अब मोटर रन कर रही है और ठीक से चल रही है, ये देखिए। तो ये कैसे ठीक हुई ये मैं बताता हूँ आपको। ये इसमें जो प्रॉब्लम थी, इसमें जो मिस्टेक थी वो थी अपना जो सिक्योरिटी अलार्म होता है ना, उसकी मिस्टेक थी, इस वजह से ये मोटर जाम हो रही थी। अब उसका कनेक्शन मैंने हटा दिया तो मोटर फ्री हो गई। तो जो आपका सिक्योरिटी अलार्म लगा रहता है, ये देखिए इसमें जो 48 वोल्ट आ रहा था, इसके इग्निशन वायर में सिक्योरिटी अलार्म से भी 48 वोल्ट आता है, तो स्विच अपन बंद करने के बाद भी इसमें 48 वोल्ट आ रहा था। तो इसका मतलब यही है कि आपका जो सिक्योरिटी अलार्म है वही आपका ख़राब हो गया है, इस वजह से उसी में कोई मिस्टेक है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है उसमें, इस वजह से ये इस तरह से मोटर को जाम कर देता है। तो ये मिस्टेक इसी कारण से आ रही थी, सिक्योरिटी अलार्म की वजह से। ये मैंने सारी वायरिंग सब चेक करने के बाद मैंने लास्ट में इसको चेक किया, तब ये पता चला मेरे को कि ये अलार्म ख़राब है, और इसकी वजह से भी ये मोटर जाम हो सकती है। मोटर जाम होने के और भी कई कारण हैं, पर अभी जो मोटर जाम हुई थी वो सिक्योरिटी अलार्म के वजह से ही हुई थी। ये देखिए इसका वायर मैंने निकाल दिया तो ये रन करने लगी, मोटर अब रन कर रही है। ये देखिए मैं ऑन करूँगा, MCV बंद है, मैंने ऑन कर दी, ये
देखिए, ये देखिए आप मोटर अपना करने लगी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जो इसमें जो ख़राबी थी वो सिक्योरिटी अलार्म की थी। काफ़ी देर परेशान होने के बाद मैंने इसको पकड़ पाया हूँ। मैं भी बहुत परेशान हो गया, हालांकि है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, छोटी सी चीज़ थी, लेकिन कभी कभी उलझ जाते हैं। लेकिन आपको मैं जो है, मैं इस वीडियो में 5 मिनट की वीडियो में आपको बता देता हूँ, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो आप अगर इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आए तो पहले सिक्योरिटी अलार्म भी एक बार चेक कर लें, हो सकता है कि आपका अभी सिक्योरिटी अलार्म ख़राब हो जिसकी वजह से मोटर जाम हो रही हो। तो ये ऊपर जो चीज़ें हैं पहले ये ही चेक कर लें, इसके बाद ज़्यादा गाड़ी को खोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी अगर इन्हीं से काम हो जाता है। तो मुझे पूरी बाइक मैंने खोल ली, उसके बाद मैंने इसको देखा। तो दोस्तों ये इसकी जो समस्या थी वो सिक्योरिटी अलार्म की थी, इस वजह से ये जाम हो रही थी। तो ये अब ठीक हो गई है, अब हम इसको फिट कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो अब आप आसानी से आपकी बाइक को इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं।